सही साहब, पीछे वाला टायर R15 पे क्या गलत लगेगा भाई कसम से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोहित द ब्लॉग। आई हो आप सब ठीक होंगे। तो भाई अपने साथ अपने R15 V4 और जसवीर भाई वाली। तो आज हम जा रहे हैं एक्चुअली टायर पता करने, इसका ना 190 सेक्शन का टायर हमने डलाना है। ये अभी जो स्टॉक कंपनी से आता है वो 150 कुछ का आता है, तो हमने 180 डलाना है। तो अभी चलेंगे बड़ैल, जाएंगे बड़ैल, पूछेंगे क्या क्या कॉस्ट रहती है उसकी। तो हमने प्लान कराया कि 190 पीछे वाले हम डलवाएं दोनों में, एक ये होगी और एक इसमें होगी भाई दोनों में। तो अभी जाएंगे वहाँ, पता करेंगे क्या कॉस्ट है, क्या क्या है, मतलब सेकंड हैंड भी टायर मिलते हैं, नमे का भी पूछेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। अभी हम निकल रहे हैं, बस कैमरे को मेरे भाई ने सेट कर लिया, तो निकलते हैं सीधा अभी हम बड़ैल के लिए और चलते हैं गाइस, दिखाते हैं क्या कॉस्ट पड़ती है सेकेंड हैंड टायर की और नमे की भी, दोनों वैराइटी दिखाऊँगा आज मैं। ये कॉल चेक करवा भाई, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, थोड़े से स्क्रैच मार दिए गली में, भाई बंदे थोड़े से अच्छे हैं हमारी गली में। चलते हैं भाई, चलो भाई साहब, चलो जसवीर भाई, और अगर नाका मिले तो बस, समझ रहे हो। तो चलते हैं भाई आगे, नाके तो मिलते रहते हैं चंडीगढ़ में, तुम्हें पता ही है चंडीगढ़ में नाके ना मिले तो ऐसा होएगा ही नहीं भाई बिल्कुल भी। दक्ष आ गया, आप चलेंगे अंदर टायर टूर देखेंगे। हाँ इस साइड मंदिर है शिव जी का, रैली निकलेगी यहाँ से। वही टायर देखो, अलोवेबल देखो किस तरह पड़े हुए यहाँ पे, कुछ भी ले लो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अलोवेबल से लेके टायर से लेके गड्डी का इंजन ही मिल जाएगा सेकंड हैंड अगर लेना तो। चल जाओ भाई है, हाँ जी हाँ जी, चल जाओ ताऊ। हमने लास्ट टाइम यहाँ से डलाया था टायर, उसमें क्या नाम है स्टैंडर में। हाँ अलोवेबल चेक करो भाई, जसवीर ने भी अपनी गाड़ी में अलोवेबल डलाना है, अभी देखते हैं कब तक डलाएगा ये चेक करो भाई, सामने दिख रहे हैं ये, यहाँ पे इससे कुछ भी ले लो गाड़ी का सामान, जो गाड़ी बंद हो रखी ना अगर, तो यहाँ पे अगर जो मर्जी ले लो कुछ भी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे बड़ैल में। ये चेक करो भाई, इंजन के इंजन रखे हो यहाँ पे, तो इंजन ले लो कुछ भी ले लो भाई, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे इस साइड ना बड़ैल में, भीड़ बहुत है यहाँ पे। एक से कार्टून दिख रहा भाई, इंजन तो यहाँ पे कचड़े की तरह पड़े हुए हैं भाई गाड़ियों के, बॉडी देखो गाड़ियों के आधे ज़्यादा गायब। चल चल अभी टांग पकड़ लेता तू कुत्ता है। भाई कांच कुछ बड़ा है, पंचर हो जाए फोपट का। भाई टायर देखने जा रहे हैं दुकान में, अंदर अंदर बढ़ेंगे पूछेंगे साइज से, वीडियो ना बनाने दे। और 190 ले भाई, सारे टायर हैं सेकेंड हैंड मिलते हैं यहाँ पे, नमे मिलते। ये बाइक का टायर है, ये बाइक का ही वाला, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। किस साइड कितनी दूर है, कितनी दूर है बाइक लेके आऊँ फिर? अच्छा लगा के दिखाना, मैं क्या लगा के दिखा दो, नहीं नहीं अच्छा यहीं खोलेगा, इसमें आ जाएगा R15 में 190 आ जाएगा इसमें। भाई चलते हैं अभी, हैं हाँ न्यू है, B4 ही है, 80-90 लगवाना है, 90-80 तो नॉर्मल डलवा ही रहे बंदे। तो चलते हैं भाई अभी, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये सारा बड़ैल ही है भाई, सारी चीज़ें मिलती है सेकंड हैंड, जो मर्जी ले लो जो मर्जी। ये कौन सी जगह आ गया मैं, इसमें अंधेरे ही पड़ा है। ओ भाई अंदर टायर ही टायर पड़े हैं इसमें तो, भाई सेकंड हैंड कपड़े नहीं लेने, टायर देखने आए हम। मुझे लग रहा यही आता है ना कपड़े लेने, गोड़ियाँ पानी बाद मिठाइयाँ। ये कहें 200 रुपये की, 100 रुपये की, 200 की रिकॉर्ड हो गया तुम अब इसमें। भाई साहब कितने स्टोर हैं इनके, चलते हैं भाई यहाँ देखते हैं, और कहीं तो मिला नहीं हमें। ओ भाई यहाँ मिल जाएगा टायर अपना, ये सारे सेकंड हैंड टायर है। और भाई साहब कातिल, ये मिशलिन का नहीं है, गलत है भाई कार, देख रहे हो कोई कितना नंबर है,
देखी जगह कहाँ है इसमें 180 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 180 55 तरह जेड आर है, पता नहीं कहाँ लिखा इसमें मसलिन। हाँ बट आए तो सही है, कंडीशन सही है इसकी। 190 कौन सा था? और ये यूज भी नहीं ज्यादा। हाँ ये ज्यादा यूज तो है नहीं है। ओ भाई ये ठीक ठीक मैं कट्ठे में के 5-6 बाइक हैं, सब में चेंज होंगे फिर अगर ठीक लगाओ तो बोल देना उन्हें ये बात। हमारे पास कम से कम 4-5 बंदे हैं, हम सबने चेंज कराना हमने। वो कट अच्छा लग रहा है मेरी एमएस में लगा। हेलो नीचे आ जाओ। लो भाई बुला रहे हैं, बताएं कितना कॉस्ट पड़ेगी इसकी। 190 नहीं 180 वो 190 190 दिखा भाई। ये सही सा पीछे वाला टायर है R15 पे, क्या गलत लगेगा भाई कसम से। ये बेटर है उस पे, कट सही है, कट वो वाले सही करता मैं। ये थोड़ा सा ये चक्कर भाई दिखा देता हूँ मैं आपको, आप कहोगे झूठ बोल रहा है 190 नहीं है। तो एक मिनट रुकियो कहाँ गया ये, राइट साइड से घुमा के दिखाता हूँ। ये चेक करो 190 55 17 भाई गलत है यार। ओ भाई नवा ये 25,000 का है। ओ भाई तो भाई चेक करो, चलो इसका बता दो फिर एक कौन सा 80 90। मैंने कहा था ना लेकर आऊंगा लड़के, ले लो कौन सी बाइक है। R1 180 ठीक है, 80 डालो 90 भी ठीक है। 90 में कटिंग दे दो, ये वाली डिजाइन दे दो, ये वाला डिजाइन दे दो, 90 भी दे। मेरी पिरेली है मिशलिन का ही होना चाहिए वाला ना। कौन सा? वो तो मटेरियल रहा है, पिरेली मिशलिन में नहीं है वाला। ओ भाई साहब टायर चेक करो भाई, बहुत खतरनाक डिजाइन है। हां वो वाला डिजाइन ना, वो दिखा उतार के, बहुत बढ़िया डिजाइन है, उतार के दिखा दो। ये रहा, हां ये डिजाइन मस्त है भाई, ये डिजाइन करता मैं तो। जसवीर कितना है? एक मिनट 180 है ना, ये डिजाइन तो करता मैं, एक मिनट दिखाइयो। तो 180 सही है कटिंग इसकी, ये डिजाइन सही है, गलत है भाई। लीन लून के वास्ते देख रहे हम तो इसमें बीच में। एक बार ये दिखाओ ना, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। हाँ नहीं अभी एक्चुअली पता क्या अंकल जी, कम से कम 4-5 बंदे हमने बाद में, हम अभी आए हैं लगवाने और बाकी बाद में भी करवाएंगे, और बंदे हैं सारे आएंगे फिर आपके पास ही आएंगे, वही चीज़ है ना, वही देख रहे हैं। इस वाले कौन से वाला? 190 वाला और ये वाला, ये वाला फिट कराना, आपके पास ही अंकल जी और बंदे भी हैं इस बात। हाँ जी हाँ जी मशीन से छुटता ना कई बार किनारा से मशीन टूट गया, ओके आपके पास ही आएंगे हम सारे फिर तो। नहीं भैया कोई दिक्कत आए एक दिन दो दिन चार दिन चला के आ जाऊं, चेंज हो जाएगा। या मैं होते स्पीड में ना पता नहीं, नहीं मेरे भाई ऐसा कोई चीज नहीं, वो तो अभी प्रेशर जो फुल प्रेशर के अंदर पड़ेगा जो पता नहीं कहां से वो है। ले लो कौन सा ले, अगला फ्रंट वाला भी दूं? फ्रंट वाला कितना पड़ता है? 120 और नमे ये 25-26,000 रुपए को बता रहे भाई नमे टायर, और वो हमें पड़ रहा 2500 में, 2000-3000 रुपए में समथिंग। सही है भाई इसमें 190। हाँ करा दो 190 का चाहिए, एक्चुअली 190 देख रहे हैं। 120 आगे आ गया ना भैया, ये ले भाई दिक्कत कर देगा आगे का है। 120 60 17 ये 120 लगेगा, नया टायर पड़ा है ये जोड़ा हो जाएगा अपना, ये वाला ना ये हो जाएगा, ये चेक करवा भाई। चेक
बाइक की लुक बढ़ जाएगी भैया, लुक बन जाएगी, गलत चलेगी बाइक, गलत लगेगी भाई इसमें। लीन जैसे मर जो मर्जी करो, वालों पानी का पाइप फेंड जाएंगे, नहीं पे रहा जैसे मर्जी चलाओ भाई, गलत। अभी देखते बात कर रहे हैं इन दोनों कितने लगेंगे, इन दोनों को पूछ ले कितने जाए जाए। अगर आप लोगों को टायर लेना तो बढ़िया लाओ भाई, मेरा कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे को, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है रोहित यादव ब्लॉग के नाम से है, उस पर आप मेरे को डीएम कर दो, मैसेज कर दो, कुछ भी मैं चल लूँगा आपके साथ। हैं हाँ तभी तो कह रहा हूँ मैं, गारंटी देंगे भाई जो भी है मेरा भाई। अगर और कहीं से भी देख रहे हैं जैसे कि मेरी वीडियो कहीं और भी जा रही है तो आप मेरे को डीएम करो, जितने का वो मैं आपको वीडियो कॉल के साथ आपको यहाँ से कोरियर करा दूँगा टायर। और बताओ, खुद करा के दूंगा मैं अपने आप, ये कोई वो नहीं कि हाँ पैसे आपने ऑनलाइन कर दिए तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे को टायर बताना कौन सा चाहिए, 170 चाहिए, 180 चाहिए, 190 चाहिए, कौन सा मर्जी टायर चाहिए बताना मेरे को, यहाँ से मैं आपको कोरियर करा दूंगा। और आप मुझे डीएम करना, रोहित यादव ब्लॉग से नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, चेक करो भाई। मैं मेरे को देख लेते, मैं देख लूँगा भाई, 190 देख रहे हैं, चेक करो गाइस थोड़ा सा हैं क्या कर, हाँ 190 नहीं चिंता, तेल पुलिस मार रखी है इस पे भाई, 190 देख रहे हैं गाइस, हम प्लान कैंसिल हो गया, 180 मना कर रहा है, 190 डलाएंगे अब, ठीक है ठीक है। आ गए तुम भी भाई, दोनों भाई आ गए। हेलो भाई, चेक करो सामने, हाँ वो अपनी बाइक खुली पड़ी सामने, दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुकना, इस साइड से दोनों टायर चेंज कराए हमने पीछे वाला, इस चेक करो भाई, पीछे वाला चक्का खुलने चला गया इसका, और आगे वाला भी हमने करा दिया है, क्योंकि पीछे 190 है और आगे छोटा रहेगा ना तो आगे गिरने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, आगे 120 है पीछे 190 है, तो दोनों डलेंगे फिर दिखाऊंगा आपको बाद में लुक की निकलता रही बाइक की। ये खुल रहा भाई अपने टायर, ये चेक करो भाई, लो भाई ये टायर निकलेगा, नवा डालेगा फिर देखते हैं भाई। हाँ ये वाली ना मेरी चेक कर क्या ये चेक कर भाई, 190 भाई साहब, अभी हो रहा अभी होगा ना फाइनल, फिर दिखाता हूँ मैं आपको, पर गलत लगेगी जो भी हो बाइक भाई, 190 पीछे डल के, वैसे 180 देखे हैं ऑलमोस्ट, पर भाई 190 डलवा रहा है, करने में बहुत टाइम लगे वैसे, बहुत ज़्यादा भाई 190 अभी हवा डाल रहे हैं। ले भाई ये गया टायर अपना, भाई चेक करो आगे वाला टायर भी अपना खोल के ले गए, एक मिनट उधर जाकर दिखाता हूँ, आगे वाला टायर भी गया है, आगे वाला भी भाई लगवा रहा है, दोनों चेंज करवा रहा है, पीछे वाला देखो भाई बांध दिखाऊंगा सारा कुछ ना, पहले लग जान दो आगे वाला भी। दक्ष भाई क्या हाल है, कौन सा ये वाला है, ये बात, ये वाला डल रहा भाई, ओके वो निकल रहा भाई, साइड चेक करो, डल जाए फिर दिखाता हूँ आपको मैं। ये चेक करो गाइस, ये टायर टू डलाया जो पीछे 190, एक मिनट और लाइटें भी लगवाई है पीछे भाई ने, टेल भी हटा दी, लुक चेक करो पीछे से कैसी आ रही है, रात का टाइम हो गया मुझे पता नहीं लगा एक्चुअली, काम कराते कराते हमने सोचा बाद में आपको दिखाऊंगा, और आगे जो डलाया था आगे भी सेम ही है और पीछे का भी है, इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो निकालूंगा वो चेक करना, एक दो दिन तीन चार दिन बाद निकालूंगा, जो भी है फिट करा के सारा कुछ हो गया। तो गाइस हमने जो हमने बाइक में टायर डलाया था वो 190 पीछे था और 120 आगे डलाया, तो दोनों डलाएं, रात काफ़ी रात होगी तो मैं वीडियो बनाना भूल गया, तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, बाकी जानकारी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा किन्ने के टायर पड़े क्या क्या पड़ा, तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, जिस भी अगर वीडियो पसंद आता प्लीज़ भाई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।